लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर बेटा। देखिए आज सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक साइज के बारे में। सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट आयोनिक साइज, आयोनिक साइज। तो सबसे पहली बात जो हमने पढ़ना है वो आयनिक साइज पढ़ना है। जैसे बेटे हमने कोवलेंट रेडियस पढ़ा था, जैसे बेटे हमने वैन डर वाल्स रेडियस पढ़ा था, जैसे बच्चा हमने व्हाट यू कैन से दूसरे रेडियस के बारे में, मेटालिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। अब सबसे पहले हम आयनिक बॉम्ब, आयनिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। देखो बेटे, मान लो हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड बना है और आयनिक बॉन्ड में ये एक कटायन है और ये एक अनायन है। ओके, आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पहले सोडियम था, ठीक है जी। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बनाया, सोडियम बन पॉजिटिव बनाया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बनाया, सोडियम बन पॉजिटिव बनाया। ये जो वन इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, सीएल नेगेटिव बना दिया। अब यहां पे सोडियम बन पॉजिटिव है और क्लोरीन बन नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा, क्लोरीन ने इसको लिया होगा। अब ये जो सोडियम वन पॉजिटिव और क्लोरीन वन नेगेटिव है, ये आपस में जुड़ गए होंगे और जुड़कर किसने बनाया होगा, Na वन पॉजिटिव और Cl वन नेगेटिव। तो बेटे मान लेते हैं ये Na वन पॉजिटिव है और ये Cl वन नेगेटिव है, ठीक इस तरह से इसका बॉन्ड बना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको अपन ने आयनिक बॉन्ड बोला। अब बेटे जब हम आयनिक रेडियस को बोलेंगे तो हम ये कहेंगे इज अ रीजन। देखो अगर मैं, जैसे हमने बाकी रेडियस को डिफाइन किया, बाकी रेडियस को डिफाइन किया था हाफ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कैसे डिफाइन किया था, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू, जैसे भी बॉन्ड था उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसका हाफ करूं तो क्या वो करेक्ट होगा, अगर मैं इसका हाफ करूं तो क्या वो करेक्ट होगा, नहीं वो गलत होगा। क्यों, उससे तो दोनों का साइज बराबर हो जाएगा, जबकि इन दोनों का साइज अलग अलग हुआ करता है। समझ में आई बात, इसलिए हम इसे बोलेंगे आयनिक साइज इज द रीजन, रीजन टिल विच, रीजन टिल विच इन्फ्लुएंस, रीजन टिल विच इन्फ्लुएंस ऑफ एन आयन कैन बी फेल्ट, कैन बी felt in an ionic bond, in that ionic bond, किसी ionic bond में वो region जहां तक किसी भी ion को हम feel कर सकते हैं, उसकी influence को feel कर सकते हैं, it is the region till which influence of an ion can be felt in an ionic bond, किसी ionic bond में वो region जहां तक हम किसी भी आयन को फील कर सकते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके चार्ज को फील कर सकते हैं, वो हमारा आयनिक रेडियस कहलाता है। समझ में आई बेटा बात। अब आयनिक रेडियस दो तरह का हो सकता है, या तो कटायनिक रेडियस या फिर हमारे पास कौन सा अनायनिक रेडियस, एक तो कटायन दूसरा अनायन, क्लियर। अब बात करेंगे कि कटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस जो है इसमें फर्क क्या है हमारे पास, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ताकि हमें समझ में आए। पहली बात आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगली बात हमारे पास यहां पे क्या आती है, देखिए पहली बात आती है कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम जो कटायन होता है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, ठीक। कटायन मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो बनता है,
जैसे मान लो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है जी, से एल्यूमिनियम ने पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, माइनस वन इलेक्ट्रॉन, और बना दिया एल्यूमिनियम वन पॉजिटिव, ठीक। तो ये हमारा पेरेंट एटम था, ये हमारा पेरेंट एटम था, ठीक है जी, और ये हमारा कटायन था। अब यहां हम एक स्पेशल चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज जेड बाय ई, जेड बाय ई। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जेड बाय ई? बेटा जेड बाय ई का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। और जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर बेसिकली, ठीक, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा अल्मोनियम का वो 13 है, तो मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स 13 है और ई इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने से क्या Z पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या उस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज स्टिल सेम, यानी Z इज स्टिल सेम नाउ, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सो वो हमारे पास 12 हो गया है। तो आपने ये देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 की जगह क्या हो गया? 12। तो जब हम यहां से यहां गए तो Z by E न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का टाइटली हेल्ड, अगर इलेक्ट्रॉन का टाइटली हेल्ड साइज बिकम्स स्मॉलर। समझ में आया? पहली बात, हमारे पास पेरेंट एटम में 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1 था। आफ्टर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन, नाउ प्रोटॉन तो 13 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। समझ में आई बात? तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, पहले 13 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन ने पकड़ के रखा था, अब 12 इलेक्ट्रॉन है पकड़ने वाले, 13 हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और अगर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड एंड देयरफॉर साइज बिकम्स स्मॉल, सो टाइम स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक, एंड देयरफॉर साइज बिकम्स स्मॉल, size becomes smaller. So I think so you are clear. अब देखो बेटे, मान लो मैं इसको aluminium 2 positive में change करता हूं, कहने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, ये इसका अगला cation बन गया। अब देखो भैया, Z तो हमारे पास अभी भी 13 रहेगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? अब 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी न्यूक्लियर चार्ज फर्दर डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन फर्दर डिक्रीजेस, समझ ले, फर्दर इंक्रीज, नॉट डिक्रीज, सॉरी, फर्दर इंक्रीजेस। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड। इसी तरह से अब मैंने इसको मान लो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया और यहां बन गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब इसका जेड बाय ई, देखो बेटे ये तो अभी भी 13 है लेकिन ये 10 है। तो हम देख रहे हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज करता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड साइज बिकम्स स्मॉलर। इसलिए इसमें साइज देखें तो एल्यूमिनियम सबसे बड़ा हो जाएगा, then we have aluminium 1 positive, then we have aluminium 2 positive, and then we have aluminium 3 positive. yani jaise positive charge badhta jayega
साइज छोटा 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 होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते रहेंगे, प्रोटॉन उतने रहेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, जब वो टाइटली खींचेंगे तो साइज विल डेफिनेटली बिकम स्मॉलर। तो ये पहली डेफिनेशन, पहली बात थी हमारे पास, कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पैरेंट एटम। इसी तरह से एक दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है, दूसरी स्टेटमेंट है अनायन इज ऑलवेज, अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पैरेंट एटम, अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पैरेंट एटम, देन द पैरेंट एटम। पैरेंट एटम जो अनायन होता है बेटा, अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पैरेंट एटम, अनायन बड़ा होता है। ठीक, जैसे मान लो नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ N, नाइट्रोजन ले लेते हैं हम। ठीक है जी, सो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, N1 नेगेटिव बना दिया। ये पहली बात हो गई। तो बेटा ये इसका पेरेंट एटम हो गया, पेरेंट एटम हो गया, और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन गया, अनायन बन गया। ठीक, अब इसमें भी दोबारा से आ जाते हैं, अब जेड बाय ई देखना है। पहले बेटे हमारे पास जेड 7 था, नाइट्रोजन का जेड 7 होता है और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 7 थे, और ऑब्वियसली न्यूट्रल एटम का हमेशा जेड बाय ई वन ही होना है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब यहां आता हूं, जेड तो सेम रहता है, हम प्रोटोन को ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, पर यहां पे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, तो 7 की जगह 8 हो गया है। तो हमें यहां पे समझ में आया कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और आप पूछते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन विल बी बेटर, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली हेल्ड, एंड इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड साइज बिकम्स लार्जर, सॉरी अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, If nuclear charge per electron decreases, so electron are loosely held. When electrons are loosely held, they will go far from the nucleus. As they go far from the nucleus, automatically you can say size becomes larger. So, बेटा जी, जैसे हमारे पास अब n negative से n2 negative बन गया, ठीक है जी? तो अब इसका z by e क्या हो गया? 7/9 further decreases. अब ये N3 बन गया, ठीक, N3 negative बन गया, तो N3 negative में अगर हम बात करें, so this will be 7/10. So as we are taking electrons, what is going on? Nuclear charge per electron decreases. जैसे electron दे रहे हो, proton तो उतना ही है, nucleus का charge उतना ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, ठीक, साइज बिकम्स लार्जर, एंड देयरफॉर अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पैरेंट एटम। तो कटायन हमेशा पैरेंट एटम से छोटा और अनायन हमेशा पैरेंट एटम से बड़ा होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें और हम ये बोले कि मेरे पास है O1 पॉजिटिव, ठीक, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन 1 नेगेटिव। अब बोला इसका साइज बताओ, किसका छोटा किसका बड़ा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, और ये अनायन है, अनायन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम एंड कटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, तो ऐसा बन जाएगा। गॉट इट और नॉट? इसी तरह से मान लो मेरे पास आ जाए O1 पॉजिटिव, O1 नेगेटिव,
O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना हमारे पास बड़ा होगा, उसमें ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा साइज उतना छोटा होता चला जाएगा। यानी हम सिंपल सी बात यहां पे ये कह रहे हैं आयनिक साइज में कि कटायन पेरेंट एटम से छोटा होता है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि वाई कटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, तो लिखोगे कैसे बेटे? ऐसे लिखोगे कटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? कटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, हेंस साइज बिकम्स स्मॉलर। ऑन द अदर हैंड एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम, तो बोलोगे एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड देयर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड द साइज बिकम्स लार्जर। बोलो मेरे बच्चों यहां तक समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? जल्दी बोलो। वेरी गुड। चलिए अब अगली एक चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक, और वो पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे? हम पढ़ने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो नेक्स्ट चीज जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ व्हाट द हेल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है the species having same number of electrons. Like बेटे अगर मान लो मेरे पास N3 negative होता है, अब नाइट्रोजन में हमारे पास कितने बेटे इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं? फटाफट बोलो, 7 के बाद उसने 3 ले लिए, 3 नेगेटिव का मतलब 3 ले लिए, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह से बेटे मान लो मैंने O2 नेगेटिव ले लिया, अब O2 नेगेटिव की जहां तक बात करें ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8, 2 उसने ले लिए तो इसमें भी 10 हो गए, ठीक है। इसी तरह से मैं F1 नेगेटिव की बात करता हूं, ठीक। अब फ्लोरीन में बेटे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 1 ले लिया है तो इसके भी 10 हो गए, ठीक। इसी तरह से बेटे मैं सोडियम 1 पॉजिटिव की बात करता हूं, ठीक। अब सोडियम 1 पॉजिटिव जो है उसमें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 चला गया, 1 चला गया तो यहां कितने रह गए? यहां 10 रह गए, क्लियर। उसी तरह से मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात कर लेता हूं। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो अपने पास मैग्नीशियम में 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास कितने रह गए? 10। और सिमिलरली वी हैव अल्मोनियम 3 पॉजिटिव, अल्मोनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, 3 चले गए, बचे कितने? 10। तो ये जो हमारे पास स्पीशीज होती है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं,
So this is called as isoelectronic species. अब isoelectronic species में size की जहां तक बात करें, तो हमें बात क्या करनी है, Z by E, सभी का क्या देखना है, Z by E, nuclear charge per electron. तो भैया नाइट्रोजन का Z 7, ऑक्सीजन का Z 8, फ्लोरीन का Z 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, अल्मोनियम का 13. Z यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी दिस कम्स आउट टू बी 0.7, दिस इज 0.8, 0.9, 0.10, 0.10, 0.12, 0.13. ओ, ये क्या कर रहा हूं, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3. Got it or not? तो आपने देखा कि यहां क्या हो रहा है, यहां न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. आप देख रहे हो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, और इस वजह से बेटे हमारे पास क्या होगा, साइज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ डिक्रीज करेगा. जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा. तो यहां N3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव, विच इज ग्रेटर देन F1 नेगेटिव, विच इज ग्रेटर देन सोडियम 1 पॉजिटिव, एंड विच इज ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव, एंड विच इज ग्रेटर देन अल्मोनियम 3 पॉजिटिव. तो आइसो जो होता है बेटा, उसमें हमारे पास क्या हुआ करता है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना छोटा होता है बेटे, ठीक, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, पर प्रोटॉन का नंबर उतना ही रहेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाता है अनायन के लिए, और कटायन के लिए बढ़ जाता है. तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना छोटा हो जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. बट एक बार समझ लो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब सिर्फ आयंस से नहीं है. ऐसे वो सोडियम 1 पॉजिटिव एंड नियोन बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. गॉट इट ऑर नॉट? उसी तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होती है. जैसे कल को मैं बोल देता कार्बन डाइऑक्साइड N2O, ये दो स्पीशीज भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, ठीक, ये दोनों स्पीशीज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, दिस इज आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि कार्बन में कितने होते हैं बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा 8, तो 16 और यहां पे 22 हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स. और नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 into 2, 14, और ऑक्सीजन में 8, 22, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. सो दीज टू आल्सो आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक. तो ऐसा नहीं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सिर्फ कटायंस एनायंस ही होते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है. आइसोइलेक्ट्रॉनिक का तो मतलब सिंपल है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाता है. हम यहां पर आयंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आयनिक साइज पढ़ना है, इसलिए हमने बोला आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो जिसके इलेक्ट्रॉन सेम है, और अगर वो आयन है तब भी अगर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कहलाएंगे, क्लियर. और उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा. जैसे बेटे इस पे ना क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन है हमारे पास. और इसके जो आंसर दिए गए हैं, ए से दे दिया गया है सोडियम 1 पॉजिटिव, बी O2 1 नेगेटिव, सी
aluminium 3 positive, D lithium 1 positive. बेटे ऐसा क्वेश्चन करते हुए सबसे पहली चीज क्या देखनी है आपको, सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैवी है कि नहीं, ठीक, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैवी है कि नहीं। जैसे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इसके भी 10, इसके भी 10, पर इसके तो कितने हो गए 2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया, कितने हो गए 2। सो लिथियम 1 पॉजिटिव इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक हियर। अब ज्यादातर बच्चे इसमें ये आंसर कर जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तब तो सिंपल बात है, जिसकी शेल्स कम उसका साइज कम। अब ऑब्वियसली यहां पे आपका 3 शेल आ जाएंगे, यहां पे भी 3 आ जाएंगे, यहां पे भी आ जाएंगे, लेकिन यहां पर ठीक, मतलब यहां पे 2 शेल, 2 8 2 8 2 8, लेकिन यहां पे 1 ही शेल। तो ऑब्वियसली हमारा यहां पे आंसर जो बनता था वो ये बनता था, यानी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसमें नंबर ऑफ शेल्स कम हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स कम होंगी उसका साइज छोटा होगा ही। तो ऐसे जज्बात में बह नहीं जाना कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। बेटे वो तब होगा अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अदरवाइज सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो उसके बाद हमें ये देखना है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो देखना जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, यानी शेल्स कम, बेसिकली इसके शेल्स कम उसका साइज छोटा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑप्शंस, ये दिए जाते बोलते Na1 पॉजिटिव, ठीक, B O2 नेगेटिव, C अल्मोनियम 3 पॉजिटिव, D हमें बोल दिया जाता F1 नेगेटिव। अब हम देखते ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सभी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी तब हम देखेंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज छोटा, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में ये आंसर आ जाएगा। तो पहले नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं, ठीक, अगर शेल्स का नंबर यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा और नेगेटिव चार्ज वाला बड़ा, क्लियर हो गया। लेकिन बेटे यहां पे एक और चीज तुम्हें बताता हूं, कल को मुझे ये बोल दिया जाए कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, और मुझे क्या दे दिया गया है, मुझे यहां पे दे दिया गया लिथियम 1 पॉजिटिव गैसेस, सोडियम 1 पॉजिटिव गैसेस, पोटेशियम 1 पॉजिटिव गैसेस, रुबीडियम 1 पॉजिटिव गैसेस, ठीक है जी। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल भी नहीं है। लिथियम 1 पॉजिटिव की लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, ऑब्वियसली 1s2 रह जाएगी इसकी कंफिग्रेशन, क्योंकि लिथियम की होती है 1s2, 2s1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया 1s2 रह गई। यहां लास्ट शेल की कंफिग्रेशन 2s2 2p6 होगी, यहां 3s2 3p6 होगी, और यहां 4s2 4p6 होगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि शेल्स बढ़ गई तो साइज बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये जो ऑर्डर रहना चाहिए वो ऐसे रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। शेल्स का नंबर बढ़ने से हमेशा हमारे पास साइज क्या करता है, बढ़ता है, ये क्लियर है। पर बेटे इसी में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, सी अब मैंने यहां बोला लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, पोटेशियम 1 पॉजिटिव एक्वस,
and rubidium one positive aqueous. Aqueous का मतलब है कि water molecule का इसके आसपास इकट्ठा होना, किसी भी आयन के आसपास वाटर मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना, उस चीज को बेटे अपन लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन. क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन. समझ में आई मेरी बात, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. मतलब समझो, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है. देखो बेटा, हाइड्रेशन का जो मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास ये एक कटायन है, से ए पॉजिटिव, ये कटायन है ए पॉजिटिव. अब ये गैसियस था और यहां पर ये इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल आ गए. ये एक वाटर, वाटर लिखना आता होगा, H2O यही वाटर होता है. ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास आ गया, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास आ गया, ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास आ गया. और बेटे जी, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है. मैंने एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, माइनस डेल्टा लिखा है, पार्शियल नेगेटिव. ऐसे यहां पे पार्शियल नेगेटिव होगा. वाटर में हमेशा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इस शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. समझ में आ गई बात. अब उससे क्या होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगी, ये अट्रैक्शन हो जाएगी, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो गए. अब ये तो अगर गैसियस आयन की बात करते तो सिर्फ साइज इतना ही था, लेकिन एक्वस स्पीशीज की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल साथ में ले लिए गए और ये हमारे पास एक्वस आयन है. समझ में आई बात. अंदर ए पॉजिटिव वो गैसियस आयन था, पर जब उसके वाटर के मॉलिक्यूल साथ में ले लिए गए तो बेटे वो हाइड्रेटेड आयन बन गया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड आयन, जिसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, हाइड्रेटेड आयन, जिसको प्यार से हम एक्वस आयन लिख देते हैं, एक्वस एक्यू आयन. समझ में आई, हाइड्रेटेड आयन हो गया ये. अब बेटा देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना है इसके आसपास, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. वाटर मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना क्या होगा, हाइड्रेशन. अब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, ऑब्वियसली उतना ही साइज इसका बढ़ता चला जाएगा. सो मोर इज द हाइड्रेशन, मोर इज द साइज. तो यहां पे हमने बोला कि मोर इज हाइड्रेशन, मोर इज साइज, मोर इज हाइड्रेशन, मोर इज साइज, मोर इज साइज. जितना हाइड्रेशन ज्यादा, साइज उतना ज्यादा हो जाता है. ठीक, क्लियर. और हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेशन डिपेंड करती है एक्चुअली जितना कटायन छोटा होगा, या अनायन जितना छोटा, अनायन भी ऐसे हाइड्रेट हो सकता है, अनायन में हाइड्रोजन के थ्रू पास पास आ जाएंगे. अगर मान लो मेरे पास अनायन होता, अनायन मान लो ऐसा ले लेते हैं, Cl लेवल नेगेटिव ले लेते हैं, ये अनायन है, और अब वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास ऐसे इकट्ठे होते, ठीक, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा,
अगर ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए है उसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन होंगे उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा जो ये लगा रहा ना साथ में, ये 2D जैसी ये डेल्टा कहलाती है, डेल्टा मतलब पार्शियल, तो ये पार्शियल चार्जेस हो गए हमारे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इससे और इसमें अट्रैक्शन होगी, इसमें इसमें अट्रैक्शन होगी, इसमें इसमें अट्रैक्शन होगी, इसमें इसमें अट्रैक्शन होगी, यहाँ अट्रैक्शन होगी, यहाँ अट्रैक्शन होगी, यहाँ अट्रैक्शन होगी, यहाँ अट्रैक्शन होगी। इससे क्लोरीन के आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं देखता तो क्लोरीन का साइज इतना क्लोराइड का साइज होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रेटेड क्लोराइड का साइज ये बन गया बेटा जी, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में लेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि गैसियस के मुकाबले हाइड्रेटेड का साइज हमेशा बड़ा होता है, गैसेस के मुकाबले हाइड्रेटेड का साइज बड़ा होता है। जैसे Cl गैसियस विल बी स्मॉलर देन Cl1 नेगेटिव एक्वस, ठीक है जी, एक्वस मतलब हाइड्रेटेड। जैसे लिथियम 1 पॉजिटिव गैसियस ठीक इज स्मॉलर देन लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, और वो तो हमें दिख ही रहा है, क्यों, अदरवाइज साइज इतना होना था, वाटर के साइज के साथ साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो हाइड्रेटेड आयन का साइज हमेशा लार्जर होता है, हाइड्रेटेड आयन इज ऑलवेज लार्जर देन द पैरेंट एटम। पर अगली बात ये है कि भैया हमारे पास हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है। देखो बेटा, जितना कोई छोटा होता है ना उसके हाइड्रेशन इतनी ज्यादा होती है, स्मॉलर इज द साइज मोर इज द हाइड्रेशन, स्मॉलर इज द साइज मोर इज हाइड्रेशन। जो जितना छोटा ठीक उसके हाइड्रेशन उतनी ज्यादा, क्योंकि जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उतना पास होगा और वो वाटर को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे साइज उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए ध्यान में ये रखना, जो जितना छोटा होता है गैसियस फॉर्म में एक्वस फॉर्म में वो उतना ही बड़ा होता है, यानी एक्वस फॉर्म में यही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, लिथियम 1 पॉजिटिव bigger than sodium 1 positive which is bigger than potassium 1 positive which is larger than rubidium 1 positive, bhale uski shells badi thi par uske aas pass water molecule zyada ho gaye। To yaad rakhna ki hydrated species mein jo jitna chota actually wo utna hi mota, jo jitna chota actually utna hi mota, kyun, uske aas pass water molecule zyada ho। तो पहली बात स्मॉलर इज द साइज मोर इज हाइड्रेशन, और दूसरी बात मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज मोर इज हाइड्रेशन, मोर इज द चार्ज मोर हाइड्रेशन, चार्ज ज्यादा होगा तो भी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, साइज ज्यादा होगा तो भी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा तो भी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, बोलो क्लियर। यानी अगर इसी क्वेश्चन को ये जो मैंने ऊपर लिखा है ठीक ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसमें मैंने यहाँ पे गैसियस 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 लगाया है, मान लो पहले नहीं लगाया था अभी लगा देते हैं, यहाँ पे गैसियस लगाया है और हमें क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट, तो हमने आंसर दिया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। पर बेटे अगर यहीं पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देते कि सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस ऑक्साइड 2 नेगेटिव एक्वस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस ठीक, और साथ में बोल देते हैं डी फ्लोरीन 1 नेगेटिव एक्वस, अब आंसर क्या होता, अब आंसर क्या होता बेटा, अब इनमें से जो पहले सबसे छोटा सबसे बड़ा था अब वो सबसे छोटा हो जाएगा,
पहले सबसे बड़ा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्साइड अब वो सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि वाटर में जो छोटा होता है उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वो एक्चुअली बड़ा हो जाता है। जैसे लिथियम वन पॉजिटिव एक्वस इज लार्जर देन ऑल, व्हेयरएज लिथियम वन पॉजिटिव गैसेस इज स्मॉलर। बेटे बोलो यहां तक समझ में आया, फिर आगे करवाऊ इसको मैं, यस और नो? ओके, सो देखो बेटे यहां हाइड्रेटेड आयन की रेडियस की बात हो रही है हमारे साथ, तो मैंने आपको ये बोला कि वाटर में एक्वस मीडियम में जो सबसे छोटा एक्चुअली वो सबसे मोटा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, हमें बोल दिया गया विच ऑफ देम इज से बोल दिया गया विच ऑफ देम इज लार्जेस्ट, एक और ए आंसर दे दिया गया लिथियम वन पॉजिटिव गैसियस, बी आंसर दे दिया गया सोडियम वन पॉजिटिव गैसियस, सी आंसर दे दिया गया लिथियम वन पॉजिटिव एक्वस एंड डी आंसर दे दिया गया सोडियम वन पॉजिटिव एक्वस। अब हमसे पूछा था लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से, ऑब्वियसली एक्वस आयंस गैसियस आयन से बड़े होंगे, तो ये तो आप काट दो, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गैसियस आयन छोटे एक्वस आयन बड़े होंगे, तो ये बड़े हैं। अब इन दोनों में से लिथियम छोटा था तो उसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई होगी, तो ऑब्वियसली लिथियम वन पॉजिटिव एक्वस लार्जर देन सोडियम वन पॉजिटिव एक्वस। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो नीट में एक क्वेश्चन आया बेटा, नीट में क्वेश्चन क्या आया, कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी, किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी। आंसर में कुछ ऐसा दिया था लिथियम वन पॉजिटिव एक्वस, बी में ऐसा दिया था सोडियम वन पॉजिटिव एक्वस, सी में ऐसा दिया था पोटासियम वन पॉजिटिव एक्वस और डी में ऐसा दिया था रुबिडियम वन पॉजिटिव एक्वस। अब व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक मोबिलिटी, आयन के मूव करने की पावर। बेटा ऑटोमेटिक सी बात यह होती है कि जो बड़ा होता है उसकी मूवमेंट कम होती है, भैया एक मोटे आदमी की रेस एक पतले से आदमी से करवा दो तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली पतला वाला ही जीतेगा। उसी तरह से हमारे पास यहां पे भी ऐसे ही होना है कि होगा क्या, जो सबसे छोटा होगा वो तेज भागेगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे छोटा कौन, क्योंकि हमें पता था कि आयनिक साइज की बात करें, ठीक आयनिक साइज की बात करें तो ये पता था हमें कि लिथियम वन पॉजिटिव गैसियस विल बी स्मॉलर देन सोडियम वन पॉजिटिव गैसियस विल बी स्मॉलर देन पोटासियम वन पॉजिटिव गैसियस एंड सो ऑन, वो लिखा है मैंने ऑर्डर। और ऑब्वियसली एक्वस स्पीशीज का ऑर्डर उल्टा होना था, तो हमें यहां पे आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ढूंढना, ठीक आयनिक मोबिलिटी बेटे जो सबसे छोटा वो सबसे फास्ट मूव करेगा, तो हमारे पास सबसे छोटा रुबिडियम वन पॉजिटिव हुआ, तो आयनिक मोबिलिटी लिथियम वन पॉजिटिव एक्वस की सबसे कम,
then sodium one positive aqueous, then potassium one positive aqueous, and then rubidium one positive aqueous. ठीक, जो जितना छोटा एक्चुअली उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा. अगर बेटा इसको गैशियस में पूछा जाता तो आंसर लिथियम होता, लेकिन अगर एक्वस में पूछा गया है तो बेटे आंसर हमारे पास रूबीडियम वन पॉजिटिव होगा. बोलो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि गैसियस में जो जितना छोटा एक्वस में वो एक्चुअली उतना ही बड़ा. तो बेटा आयनिक साइज प्रॉपरली क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत है आयनिक साइज में क्या?